हम क्यों भूल जाते हैं? देखिए, कई बार ये ऐसे होता है कि हम तो ठीक से याद ही नहीं करते हैं, तो भूलने का सवाल ही नहीं उठता। हम तो रिकॉर्ड ही नहीं किए ना, भूलेंगे उस चीज़ को जिसको हमने याद किया, हमने याद ही नहीं किया। दूसरी बात, ऑडिटरी लर्निंग, मैंने केवल वॉइस रिकॉर्डिंग करने से फॉरगेटिंग होती है, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं करके रिकॉर्ड करने से फॉरगेटिंग होती है, क्रैबिंग करने से फॉरगेटिंग होती है, बिना समझे पढ़ने से फॉरगेटिंग होती है, बिना सोचे पढ़ने से फॉरगेटिंग होती है, कंटेंट को अपने ओन वर्ड में नहीं लिखने से फॉरगेटिंग होती है, उस कंटेंट को विजुलाइज नहीं करने से फॉरगेटिंग होती है, उस कंटेंट को का कोई व्यवहारिकता में उसका उपयोग ना समझने से भी फॉरगेटिंग होती है, 3D से नहीं पढ़ने से फॉरगेटिंग होती है, डायग्राम के साथ पढ़ने से भी फॉरगेटिंग हो सकती है, बहुत दिन तक रिवीजन नहीं करने से फॉरगेटिंग हो सकती है, बहुत ज़्यादा पढ़ने से फॉरगेटिंग हो सकती है, स्ट्रेस से फॉरगेटिंग हो सकती है, फोबिया से फॉरगेटिंग हो सकती है, बोर्डम से फॉरगेटिंग हो सकती है, बहुत तेज़ी से रिकॉल करना चाहोगे तो भी फॉरगेटिंग हो सकती है, कन्फ्यूजन से फॉरगेटिंग हो सकती है, कोई तरह का भय, कोई बुखार, बीमारी, परेशानी, दर्द से फॉरगेटिंग हो सकती है, हाई टेम्परेचर से फॉरगेटिंग हो सकती है, एकदम लो टेम्परेचर से फॉरगेटिंग हो सकती है, ऐसे अनेक डायमेंशन से फॉरगेटिंग के। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जिस कंटेंट को आपने अपने ब्रेन पर रिकॉर्ड किया वो क्वालिटी कंटेंट हो, वो कंटेंट रीजन्ड हो, जस्टिफाइड हो, लॉजिकल हो, समझ के साथ हो। और एक बात है कि बहुत जल्दी से याद मत करिए। कई बार ही बच्चे बहुत जल्दी याद करते हैं तो बहुत जल्दी भूल जाते हैं। आप जब रिकॉर्डिंग करते हैं तो रिकॉर्डिंग की स्पीड धीरे रखिए, आहिस्ता आहिस्ता पढ़िए, क्योंकि खांचे बनते हैं ब्रेन पे और उन खांचों पे इंटरप्रिटेशंस होती है। इंटरप्रिटेशन के साथ, मीनिंग के साथ आप रिकॉर्ड करिए और ऑडिटरी के साथ काइनेस्थेटिक लर्निंग भी करिए और उसमें रेफरेंस भी पढ़िए और उसमें डायग्राम भी करिए, आउट ऑफ बॉडी लैंग्वेज यूज़ करिए, अच्छा ऑडियो यूज़ करिए, अच्छी वॉइस यूज़ करिए, अच्छा पिच यूज़ करिए। इतने सारे डायमेंशंस को अगर आप ठीक करते हैं और उसके बाद आपकी क्यूरियोसिटी अच्छी होती है, आपको ललक होती है समझने की, उस क्वेश्चन को पढ़ने की, आप उस टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं, इन्वॉल्व हैं, अटैच्ड हैं, आपने उसके बारे में थिंकिंग भी की है, तो डेफिनेटली आप नहीं भूलेंगे। आप ये सब कुछ करेंगे तो हमारा दावा है कि आप भूलना भूल जाएंगे। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। फेसबुक से जुड़े रहने के लिए फेसबुक पर DNXTV सर्च करें। ट्विटर से जुड़े रहने के लिए ट्विटर पर DNXTV सर्च करें। ज्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.dainandini.in पर लॉगिन करें।